वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स, राइट। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द फाइब्रिनोलाइटिक्स। ओके, तो फाइब्रिनोलाइटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है फाइब्रिन और दूसरा होता है लाइटिक्स। तो फाइब्रिन मीन्स हो गया फाइब्रिन प्रोटीन और लाइटिक्स मतलब होता है ब्रेक डाउन करने वाला। तो ऐसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि फाइब्रिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स, राइट। नॉर्मली ऐसी ड्रग्स या ऐसे एजेंट जिनका यूज हम, जैसे हमने कहा फाइब्रिन को तोड़ना है, ओके, अब फाइब्रिन कहाँ प्रेजेंट होगा, ओके, राइट। तो बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में यदि थ्रॉम्बस जमा हो गया है कहीं पर या फिर कहीं क्लॉट जमा हो गया है, मतलब कहीं इंजरी हो गई है और इंजरी के बाद में वहाँ पे क्लॉट हो गया हो, ठीक है, या वहाँ पे थ्रॉम्बस जमा हो गया हो, तो इस चीज को कहते हैं कि वहाँ पे डिपोजिशन हो गया, राइट। इसी चीज को हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रिन प्रोटीन प्रेजेंट है, इसी फाइब्रिन की वजह से ही यहाँ पर ये क्लॉटिंग हुई है, तो उसको हमें डिसॉल्व करना है, ओके। और यदि सपोज करिए कि कोई ब्लड वेसल्स है और उसमें थ्रॉम्बस जमा हुआ है, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी, तो जिसके टूटने के बाद वो जो ब्लड वेसल्स है वो अगेन अपना ब्लड सर्कुलेशन कर, तो इसलिए ऐसे एजेंट जो कि थ्रॉम्बस या क्लॉट, ओके, इनको डिसॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे कि लाइक थेरापेटिक एंड प्रोफाइलेक्सिस। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये थेरापेटिकली एक्टिव होते हैं रदर दैन द प्रोफाइलेक्टिक, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता होता है कि लाइक ये ड्रग आपने पहले से, ऐसा नहीं होता है कि दे दी हुई होती है और थ्रॉम्बस जमा होने वाला होता हो, ऐसे कुछ फॉरकास्टिंग नहीं है, ठीक है। इसलिए इनका यूज जो है थेरापेटिक, मतलब यदि थ्रॉम्बस जमा हो गया है या क्लॉट जमा हो गया तो उसके बाद ही आप इन ड्रग को दोगे और ये ड्रग एक्शन देगी, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये थेरापेटिक एक्शन प्रोवाइड। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो एक प्लग जमा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हीमोस्टेटिक प्लग, तो उसका वो कैसे बनता है और कैसे डिसॉल्व होता है, मतलब बॉडी की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। पहला है साइट ऑफ इंजरी, है ना, मतलब जहाँ पर घाव बना हुआ हो, जहाँ पर डैमेज हुआ हो, उसको कहते हैं साइट ऑफ इंजरी। तो जो साइट ऑफ इंजरी है वहाँ पर प्लग का फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर फाइब्रिन जो है वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, थ्रॉम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। जैसे ही रिपेयर ओवर होता है ना, मतलब जहां पे आपको इंजरी हुई थी, आपने देखा होगा कि सपोज कीजिए कहीं वुंड है और वुंड के बाद में वहां पे क्या होता है, धीरे 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 वहां पे पहले क्लॉट बनता है हल्का सा, उसके बाद में स्क्रीन जो है रिट्रैक्ट होती है और नई स्किन आने लगती है, ठीक है, इस तरह से इसका रिपेयरमेंट होता रहता है। रिपेयर होने के बाद आपने देखा होगा कि वो जो पार्ट है वहां से सिकुड़ जाता है, ठीक है, और बाद में वो निकल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिसॉल्विंग की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं फाइब्रिनोलाइटिक प्रोसेस। तो पहले जैसे ही रिपेयर खत्म हुआ वहां पे थ्रॉम्बस डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये थ्रॉम्बस कैसे बना और कैसे डिसॉल्व हुआ, राइट। तो पूरी एक जो फाइब्रिनोलाइटिक प्रोसेस होती है, मतलब फाइब्रिन को तोड़ने के लिए जो प्रोसेस होती है, उसको हम समराइज यदि करें तो इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिन, ठीक है। थ्रॉम्बस को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं प्लाज्मिन, राइट। ये जो प्लाज्मिन होता है कैसे जनरेट होगा, ये जनरेट होता है प्लाज्मिनोजन से, ठीक है। प्लाज्मिनोजन सब्सटेंस है, इस प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनता है, कौन बनाएगा, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको हमने कहा TPA, राइट। तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ये कहाँ से आएगा, ये आता है वस्कुलर एंडोथीलियम से, मतलब जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, वहां से हमें मिलता है क्या, एक्टिवेटर। और एक्टिवेटर क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, और ये प्लाज्मिन फिर यहाँ पे एज अ फाइब्रिनोलाइटिक प्रोसेस को या उसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। प्लाज्मिनोजन सर्कुलेट इन द प्लाज्मा एज वेल एज बाउंड टू द फाइब्रिन। अब यहाँ पे प्लाज्मिनोजन के दोनों ही काम है, एक तो वो क्या कर रहा है, प्लाज्मा में सर्कुलेट भी हो रहा है, दूसरा फाइब्रिन से जाके बाइंड भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटर होता है ये फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एक्टिवेटर क्या करेगा, फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, इसके अंदर थ्रॉम्बस के अंदर,
तो जहां भी थ्रॉम्बस जमा होगा राइट, उसके आजू बाजू जो फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजेंस होते हैं उसको ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी प्लाज्मिन दैट लीक इज इनएक्टिवेटेड बाय द सर्कुलेटिंग एंटी प्लाज्मिन। अब सपोज करिए कि इसमें से यदि कोई प्लाज्मा लीक भी हो जाता है तो उसको सर्कुलेटिंग एंटी प्लाज्मिन डीएक्टिवेट कर देता है। ओके, तो हम यहाँ एक बार समझ लेते हैं ये जो एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, कि कौन यहाँ एक्टिवेटर है और कौन जो है इसको इनहिबिट करेंगे, कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, तो उसका पूरे क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स का। एक्टिवेटर क्या कर रहा था, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर रहा है राइट, और ये प्लाज्मिन जो फाइब्रिन इनसॉल्युबल है उसको फाइब्रिन सॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब डिजोल्व कर रहा है, ठीक है। अब इस एक्टिवेटर है ना को एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर यहाँ प्रेजेंट है जिस जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करने वाले हैं। तो जो प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड में, ये सभी एक्टिवेटर है, और नीचे निगेटिव साइन, ये सभी क्या है यहाँ पर, इनहिबिटर्स है, ठीक है। एक्टिवेटर में बात करेंगे हम दो पार्ट के, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज और टिनेक्टिप्लेज, ये यहाँ पर एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में फैक्टर 12 थे एंड कैलिक्रिन, तो ये है इंट्रिंसिक। इसी तरह से यदि हम बात करें इनहिबिटर्स की, तो उसमें ESA, ट्रांस नेक्जेमिक एसिड, और दूसरी तरफ है अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन एंड अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये भी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फॉर्म में डिवाइडेड है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स की एक लिस्ट है, ठीक है। तो उसको सिंपल फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये इजीली याद हो जाएगा आपको। चलते हैं हमारे फाइब्रोलाइटिक एजेंट्स की तरफ, जिसके ऊपर हम फार्माकोलॉजी की बात करने वाले हैं। तो फाइब्रोलाइटिक एजेंट जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, टैटीप्लेज और टेनेक्टिप्लेज, ये फाइब्रोलाइटिक एजेंट्स हैं जिसको हमने यहाँ पे लिया हुआ था। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या फार्माकोलॉजी, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये कहाँ से मिलता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये मिलता है स्ट्रेन ऑफ द बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप्स, ठीक है। जो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरियाज होते हैं उसकी, उससे मिलता है हमको स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, तो ये सबसे फर्स्ट फाइब्रोलाइटिक ड्रग है। ओके नाउ, बट नॉट इम्प्लॉयड नाउ एक्सेप्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कॉस्ट, बट अभी इसका ज्यादा यूज नहीं है। मैकेनिज्म की बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये प्लाज्मिन रीजन के साथ में अटैच होता है, अटैच होने के बाद एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब इसको एक्टिवेट करता है, और ये एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है यहाँ पे प्लाज्मिन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म है। अगला चलते हैं यूरोकाइनेज की तरफ। तो यूरोकाइनेज नाम से क्लियर है, यूरो एंड काइनेज, यूरो में होता है यूरिन एंड काइनेज में होता है एंजाइम, बिकॉज लास्ट में है क्या लगा हुआ, ASE, तो जहाँ भी लास्ट में AEC लगा है दैट इज कॉल्ड द एंजाइम, ठीक है। यूरोकाइनेज कहाँ से मिलेगा, यूरिन से मिलेगा, किसके, ह्यूमन यूरिन से। तो उसको लैब में बनाया गया या लैब में कल्चर किया गया, ठीक है। तो कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स, जो कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स है उसके थ्रू ये प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द यूरोकाइनेज राइट। इट एक्टिवेट द प्लाज्मिनोजन डायरेक्टली एंड हैज अ प्लाज्मा टी हाफ ऑफ 10 to 15 मिनट्स। इसमें ये पावर होती है कि प्लाज्मिनोजन को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है और इसका प्लाज्मा टी हाफ 10 से 15 मिनट का है। ओके, दूसरी चीज, ये नॉन एंटीजेनिक है, इसमें कोई भी एंटीजेनिक बिहेवियर नहीं है, और जब भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है फीवर इसमें आता है, ठीक है, कभी कभी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम एल्टीप्लेज की तरफ। तो एल्टीप्लेज जो होता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसलिए इसको लिखा गया रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, दैट इज RTPA, ठीक है। कैसे मिलेगा, नाम से के लिए रिकॉम्बिनेशन से। तो प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ह्यूमन टिश्यू कल्चर, ह्यूमन टिश्यू कल्चर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको हम बनाया जाता है फॉर द फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन। सेकेंड है कि ये जो फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन है उसके लिए मॉडरेटली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसलिए जो सर्कुलेटिंग फाइब्रिनोजन होता है इज लोअर्ड ओनली अप्रॉक्स 50%, 12-50% ही ये
सर्कुलेटिंग जो फाइब्रिनोजन होता है उसको दूर करता है। प्लाज्मा टीआर की बात करें तो 4 से 8 मिनट, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसका स्लो इन्फ्यूजन। नेक्स्ट है यूज ऑफ द फाइब्रिनोलाइटिक्स एजेंट्स, राइट। पहला यूज है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, या एमआई जिसको हम कहते हैं। सेकेंड है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थर्ड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और चौथा है स्ट्रोक। दीज आर द यूजेस ऑफ द फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स। तो ओवरऑल यदि समरी की बात करूँ कि फाइब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं, तो